हेलो दोस्तों, हमारे चैनल रोचक कहानियाँ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम आज की कहानी शुरू करते हैं। आज की कहानी है कहानी एक विश्व सुंदरी की। लंबे इंतज़ार के बाद आज देश के नामी उद्योगपति उत्तम खन्ना और विश्व सुंदरी योगिता सात फेरे लेकर विवाह के बंधन में बंध गए थे। देखने वालों के होठों पर यही बात थी कि ऐसी खूबसूरत जोड़ी दूसरी नहीं। भीड़ से बेपरवाह प्रेमी पगी आंखों से वर वधू एक दूसरे को निहार रहे थे। दोनों का मिलना भी किसी इत्तफाक से कम नहीं था। उत्तम ब्यूटी कॉन्टेस्ट में जज बनकर क्या गया कि मिस वर्ल्ड की प्रतियोगिता के लिए चयनित हुई ब्रेन और ब्यूटी की प्रतिमूर्ति योगिता उसकी चाहत ही बन गई। जैसे भी हो, विश्व सुंदरी का ताज योगिता के सिर पर सजे योगिता के साथ उत्तम का भी जुनून बन गया था। 2 महीने बाद विश्व स्तर पर होने वाली इस प्रतियोगिता के हर इवेंट की तैयारी के लिए योगिता को विशेष रूप से प्रशिक्षित करने के लिए उत्तम हर प्रकार से तैयार था। राहें आसान नहीं थीं, पर यह उत्तम की कोशिशें और योगिता की साधना का परिणाम ही था कि 100 से ज़्यादा सुंदरियों को पराजित करके विश्व सुंदरी का ताज पहनने में सफल रही। योगिता की इस उपलब्धि में उत्तम की भी बहुत बड़ी भागीदारी थी। कितने महीनों के इंतज़ार के बाद खुशियों की सारी कायनात लिए आज का दिन आया था जब दो तन कानूनन एक हो गए थे। वर वधू दोनों के माता पिता के चेहरों पर असीम खुशी थी। 2 हफ्ते का हनीमून मनाकर उत्तम और योगिता लौट आए थे। जीवन पुराने ढर्रे पर चल पड़ा था। उत्तम अपने कारोबार में लग गया। विश्व सुंदरी बनने के बाद की गतिविधियों में योगिता के दिन व्यस्त से व्यस्तर होते गए। स्विट्जरलैंड के छोटे शहरों में भी तो योगिता के प्रशंसकों ने इस तरह से उसे घेर लिया था कि उनसे पीछा छुड़ाने के लिए उत्तम को बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा था। हर शहर में होने वाले आए दिन के समारोहों में चीफ गेस्ट बनकर जाना तो आम बात हो गई थी। कहीं किसी ब्यूटी पार्लर के उद्घाटन का फीता काटना होता था तो कहीं नारी सशक्तिकरण के मंच को सुशोभित करना पड़ता था। ऐसे समारोहों में वे कभी कभी प्यार मनुहार से उत्तम या अपनी सास को भी ले जाया करती थी। पूर्व विश्व सुंदरी हो जाने के बाद भी योगिता को शहर से बाहर के आमंत्रण भी स्वीकारने होते थे। विदेशों के चक्कर भी लगते। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों से ब्यूटी प्रोडक्ट के प्रचार के लिए भी योगिता को जाना पड़ता था। मॉडलिंग एवं फिल्मी ऑफर्स की भी भरमार हो गई थी। 2-4 फिल्मों में काम मिलने की बात चल रही थी। मीडिया वालों का घर पर हमेशा आना जाना लगा रहता था। अपनी ख्याति और उपलब्धियों पर योगिता तो फूली नहीं समा रही थी। शुरू में उत्तम का सहयोग भी खूब रहा, पर धीरे धीरे वह उसके कार्यक्रमों में बोर होने लगा, क्योंकि सबकी नज़रें तो उसकी पत्नी पर होती थीं। वह फालतू का बाउंसर सा उसके इर्द गिर्द रहता था। कई बार तो उसे दूसरे बाउंसर की तरह भीड़ द्वारा धकेला भी गया। फिर भी उत्तम को रंज न था, वह ट्रॉफी वाइफ से खुश था। इन सारी हलचलों को महीनों तक सभी ने तरजीह देते हुए खूब इंजॉय किया। जब योगिता की रंगारंग गतिविधियाँ दिन दूनी चार चौगुनी होती गईं तो उत्तम की माँ सुनीता एवं पिता राजेश खींच उठे। उत्तम ने भी योगिता को प्यार से समझाते हुए उसकी सीमाएं समझाईं, लेकिन योगिता अपने विश्व सुंदरी के ताज को घर चार दीवारी की शोभा किसी भी कीमत पर नहीं बनने देना चाहती थी। प्यार विश्वास के पंखों के साथ उड़ने के लिए योगिता को उन्मुक्त गगन क्या मिल गया कि उसने धूप के सारे हिस्से अपने नाम कर लिए। उसकी यह स्वार्थता तूल ही पकड़ने वाली थी कि प्यार या प्रकृति जिसकी भी भूल हो, फिर जो कुछ घटित हुआ पूरे परिवार पर खुशियों की बारिश ही कर दी। हालांकि इतनी जल्दी इस रूप में स्वयं को देखने की चाहत योगिता को नहीं थी, फिर भी परिवार में स्वयं को अहमियत के शीर्ष पर विराजते हुए खामोश रही। उसकी खुद की हिम्मत नहीं हुई कि अबॉर्शन कराए। डॉक्टर भी उसके खिलाफ थे। उत्तम के परिवार ने एक बार फिर अति उत्साह और उमंग के साथ अपनी इस खुशी को सेलिब्रेट किया। अंश ने अभी अपने डगमगाते कदमों को संभाला भी नहीं था कि नन्ही अन्नू आ गई। फिर योगिता को एक लंबे समय तक अपनी रंगारंग गतिविधियों पर विराम लगाना पड़ा, जो उस जैसी महत्वाकांक्षिणी के लिए आसान नहीं था। समय के साथ जब माँ के रूप में उसकी जिम्मेदारियाँ कम हुईं, तो किसी धूमकेतु की तरह वह अपनी प्रसिद्धियों की राह पर
एक बार फिर से चल पड़ी। प्यार दुलार, हार मनुहार, तकरार आदि सारी बाधाओं को, पारिवारिक विरोध के चट्टान को दृढ़ता से पार करती हुई निरंतर आगे बढ़ती चली गई। उसने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा कि उसकी बच्चों और पति को जरूरत है। राष्ट्रीय बाजार के फैशन की दुनिया में योगिता के अद्भुत प्रचार ने एक क्रांति सिला दी। उसकी प्रसिद्धि पहले ही अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक फैली थी। उन्होंने फिर योगिता से संपर्क किया और अपने बाजार में उसे उतार लिया। एक सुंदर सफल माँ और पत्नी की असीमित योग्यता के साथ उसके सूट बहुत बोल्ड होने लगे। वह साबित करना चाहती थी कि माँ बनकर भी उसका शरीर शादी से पहले जैसा ही है। ऐसे बाजार किसी पर वारे न्यारे होते हैं तो उसे अच्छी तरह भुनाते भी हैं। उन्होंने योग्यता के प्रचार का बहुत सा नाजायज फायदा उठाना आरम्भ किया। बिजनेस के काम से न्यूयॉर्क गए। उत्तम की नज़र किसी मॉल में योग्यता के अर्धनग्न पोर्ट्रेट पर पड़ी। फिर वह जिस भी मॉल या ब्रांडेड शॉप में गया, हंसती मुस्कुराती अपनी दिलकश अदाओं में लोगों को लुभाती योग्यता ही योग्यता थी। यह सूट उसने उत्तम को दिखाया भी नहीं था। कैफियत के लिए उत्तम ने योग्यता से संपर्क करना चाहा, पर वह किसी ज़रूरी फंक्शन में थी। उत्तम की अनगिनत मिस्ड कॉल को देखकर भी उसने कॉल बैक करने की आवश्यकता नहीं समझी। झल्ला कर उत्तम ने भी फिर उसे कॉल नहीं की। वापसी में लंदन होते लौटना था। वहाँ भी लंदन के नामी मॉल्स और शॉप में योग्यता के अर्धनग्न पोर्ट्रेट्स को देखकर वह बौखला गया। यहाँ के बाजारों ने भी उसके सौंदर्य की मादकता को जी भरकर भुनाया था। अब बाजार विदेशों का था तो मुंह पर घूंघट डालकर पोर्ट्रेट तो मनाते नहीं। जिस हद तक वे योग्यता के शारीरिक सौंदर्य को उखाड़ कर भुना सकते थे, खुलकर भुनाया। योग्यता ने भी बहुत खुलकर पोज दिए थे, ऐसे जो शायद उत्तम ने अपने कमरे में भी न देखे होंगे। क्योंकि यह सब कॉन्ट्रैक्ट के अंतर्गत था, योगिता अपनी विदेश यात्राओं के दौरान यही सब करती रही। धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। ख्याति के लिए घर के प्रतिष्ठा को दाव पर लगाकर इस हद तक चली जाएगी, ऐसा पति उत्तम ने स्वप्न में भी नहीं सोचा था। उसके संबंधी मित्रगण सबसे बढ़कर उसके पिता का भी बिजनेस के कामों में लंदन अमेरिका आना जाना हमेशा होता रहता था। योगिता के इस तरह के पोर्ट्रेट्स को देखकर उनकी प्रतिक्रियाओं की कल्पना करके उत्तम इतनी ठंड में भी पसीने से भीग गया। उसने योगिता को फ़ोन पर ही बहुत जल्लीकट्टी सुनाई। वह अपनी निर्दोषिता बताती रही, लेकिन उत्तम ने कुछ नहीं सुना और गरजता रहा। क्रोध के मारे सारे कामों को स्थगित कर वह लौट पड़ा। उसके प्यार और विश्वास का अच्छा प्रतिदान दिया था योगिता ने। कैसे वह उसके पास जल्द से जल्द पहुँच कर उसकी इस हरकत का सबब मांगे। सोचकर सारे रास्ते वह जलता भुनता रहा। घर पर जब योगिता ही नहीं मिली, तब उत्तम के क्रोध का पारा सातवें आसमान को छूने लगा। वह तो बच्चों के साथ शहर से बाहर गई हुई थी, जबकि इस परिस्थिति में कम से कम उत्तम के आने तक उसे घर में रहना था। माँ को भी वह कुछ बताकर नहीं गई थी। उसने गुस्से में अपने फ़ोन को भी स्विच ऑफ कर रखा था। योगिता की जानकारी उत्तम ने उसकी माँ से लेनी चाहिए, तो उन्होंने भी अपनी अनभिज्ञता जताई। दो दिन के बाद वह लौटी तो बेडरूम में जो बम फूटा, वह सब कुछ ध्वंस कर गया। अब मेरा वकील कोर्ट में ही तुम्हें देखेगा, कहते हुए क्रोध से चीखती हुई योगिता बच्चों के साथ उसी समय घर से निकल गई। दूसरे दिन ही उसने अपना और बच्चों की ज़रूरत का सामान मंगवा लिया। दोनों के बीच का घटित मामला किसी दवा नल की तरह पूरे शहर में फैल गया। उत्तम परिवार की प्रतिष्ठा गलियों चौराहों की गप गोष्ठियाँ बन गई। उनके मान सम्मान से जलने वाले अफवाहों की आहुति देते हुए खूब हाथ सेक रहे थे। खुशियों की प्रतिध्वनियाँ मातमी गूंज बनकर रह गई थीं। जो काम उत्तम को करना था, उसे योगिता ने कर दिखाया। महीने के अंदर ही अलग होने की कार्रवाई आरंभ हो गई। कोर्ट का नोटिस मिलते ही वह बौखला गया। सुनीता जी ने स्वयं जाकर बहू को हर तरह से समझाने की कोशिश की, पर उसने कुछ भी सुनने से इनकार कर दिया। पहली सुनवाई के दिन जज साहब ने उत्तम और योगिता को अपने चैम्बर में बुलाकर सारे प्रतिवादों को भूल जाने को कहा। पारिवारिक प्रतिष्ठा के साथ साथ बच्चों की टूटन का भी एहसास दिलाया। उत्तम शांत रहा, पर योगिता क्रोध से चीख रही थी, नहीं जज साहब, इसने मेरी एक भी नहीं सुनी। मुझे निर्दोषिता का कोई साक्ष्य नहीं देने दिया, मेरा विश्वास तक नहीं किया। मेरा साथ देने के बदले मुझ पर अपने बच्चों की
माँ पर हाथ उठाने की जुर्रत की। मैं इसके साथ नहीं रह सकती। ठीक है तो आप दोनों आपसी सहमति से अलग हो जाएं। परिवार की इज्जत को सरेआम तमाशा न बनाइए। बच्चों पर आप दोनों का समान अधिकार है। उनकी कस्टडी का निर्माण आप दोनों मिलकर विचार करके ले लीजिए। उस दिन कोर्ट में फिर सुनवाई नहीं हुई, तारीख को आगे बढ़ा दिया गया। लेकिन मीडिया वाले भी कहीं किसी के होते हैं। नमक मिर्च के साथ जो नहीं हुआ उसे भी खूब उछाला। कभी उत्तम का नाम किसी अनजान से जोड़ा तो कभी योगिता को किसी और की बाहों में बांध अंकशायनी ही बनाकर रख दिया। नित नई अफवाहें बिना पंख के ही चारों ओर उड़ रही थीं। परिवार की खुशियों ने दम तोड़ दिया था। चारों ओर उदासी बिखरी थी। बच्चों के बिना सूना घर उत्तम को काटने लगा था। अपने उतावलेपन में ही कहीं सच में उससे गलती तो नहीं हो गई, उत्तम रोज सोचता। योगिता की उपलब्धियों से तो वह भी अभिभूत था। वह भी तो गर्व से फूला नहीं समाता था। कितने ही काम उसने सिर्फ इसलिए कराए थे कि काम करने वाले को योगिता से मिलने का मौका मिला था। उत्तम, आकर देखिए तो जरा, तुम्हारे और योगिता के बारे में जो बातें कल तक न्यूज़पेपर तक सीमित थीं, आज टीवी पर किस धड़ल्ले से दिखाई जा रही हैं। तुम दोनों के संबंध में कैसी अभद्र अफवाहों को हवा दी जा रही है। शर्म से हम गले जा रहे हैं। आपके पापा ने तो बाहर ही निकलना छोड़ दिया है, फिर भी आए दिन मिलने वाले कोई ना कोई चुभती बात उछाल ही जाते हैं। देश के नामी जिस उद्योगपति राजेश के समक्ष जिन लोगों का आने में पसीना छूट जाता था, अब उनकी भी हंसी का पात्र बनना पड़ रहा है। सुनीता जी कुछ और आगे कहती उससे पहले ही परेशान सा उत्तम यह कहते हुए उनके पास आकर बैठ गया। बस कीजिए माँ, धारा प्रवाह बोले ही जा रही हैं। आप ही बताएं, इस विष वृक्ष के बीज क्या योगिता ने ही बोए हैं? इसके पीछे उसकी कुटिल महत्वाकांक्षाएं नहीं हैं? कोर्ट में उसके पागल वकील ने मुझे जिस तरह झूठी तोहमत लगाते हुए जलील किया है, उसे देखते हुए मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं। सारी दलीलें झूठी हैं। इस सत्य को जानते हुए भी योगिता आए दिन मीडिया वालों को बुलाकर कहानियां सुना रही है, यह उचित है क्या? सुनीता जी बोली, अंश और अन्नु को याद करके मैं बेचैन हूँ। अकारण ही वे मासूम आप दोनों की लड़ाई में पीस कर रह गए हैं। जब तुम दोनों ने अलग होने का निर्णय ले ही लिया है तो फिर इस फालतू फसाद को क्यों तरजीह दी जा रही है? रहा बच्चों की कस्टडी का प्रश्न, तो उनकी मर्जी के अनुसार वही रहने दीजिए जहाँ वे चाहें। ऐसे भी परिवार जब टूटता है तो ज़्यादा प्रभावित बच्चे ही होते हैं। ऐसी अति महत्वाकांक्षी लड़कियाँ शादी की मर्यादा ज़्यादा दिनों तक नहीं रख पाती हैं। उस समय हमने तुम्हें कितना समझाया था, लेकिन उसके विश्व सुंदरी के ताज की चकाचौंध ने तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति ही हर ली थी। फिर जिसकी माँ ने ही इस रिश्ते की पावनता का मान नहीं रखा, वह अपनी बेटी का घर बसाने के लिए कुछ करेगी? उससे ऐसी उम्मीद रखने का कोई औचित्य ही नहीं है। अपने बचपन की संगिनी अनन्या का मन भी तो तुमने कितनी निर्दयता से तोड़ा था। साथ में हमारे सपनों में भी तो तुमने मायूसी भर दी थी। वह तुम्हारा इंतजार करती रही और तुम सहरा पहनकर किसी और के नूर बन गए। माँ चुप बैठी रही। जब उत्तम ने कुछ नहीं कहा तो उन्होंने फिर कहा, जो भी हुआ उसे वापस तो मोड़ा नहीं जा सकता। अब कल की तारीख पर कोर्ट में सब कुछ पर निर्णय हो जाना चाहिए। जो भी वह चाहती है देकर रफा दफा कर दो। अब और जिलते मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती, कहते हुए सुनीता जी का स्वर अवरुद्ध हो गया। ऐसे ही ऊहापोह में दिन गुजरते रहे। परिवार, रिश्तेदारों, सगे संबंधियों, दोस्तों, मीडिया सभी के हस्तक्षेपों से घबरा कर किसी एकांत की खोज में उत्तम गोवा चला गया। एक समुद्र के तट पर बैठकर उत्तम एकाग्रता से आत्ममंथन कर रहा था। मन में आंधियां ही आंधियां थी जिन्होंने उसके हंसते गाते मुस्कुराते चमन को उजाड़ कर रख दिया था। बाहर लहरों को उछालते हुए समंदर था, तो मन के अंदर भूत वर्तमान एवं भविष्य का समंदर विकराल लहरों को घेर उन्हें अतल गहराई में डुबो रहा था। कि योगिता के साथ कहीं उससे ज्यादती तो नहीं हो गई? क्या पता सच में इन सब के पीछे उसकी कोई मजबूरी रही हो? अपनी निर्दोषिता को प्रमाणित करने के लिए वह जो कुछ भी कह रही थी उसे निर्विवाद सुनना था। बेगुनाही की फरियाद करने का एक अवसर तो देना था। घर से निकलने की बात कहकर उस पर हाथ उठाने की गलती वह कैसे कर बैठा?
योग्यता के मान सम्मान का भी ख्याल नहीं रखा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्किन दिखाने की ज़रूरत से अच्छी तरह वाकिफ होने के बावजूद योगिता को कुछ भी कहने का अवसर उसने नहीं दिया। अविश्वास की अग्नि में अपनी पारिवारिक सुख शांति को स्वाहा कर दिया। यह सोचकर उसकी आंखें भर आईं। बच्चों के साथ अब योगिता की याद में वह विह्वल हो उठा। चाहत की असीम वेदना से वह तड़प उठा, पर अब कर भी क्या सकता था। तीर कमान से निकल चुका था। योगिता के स्वाभिमान से वह अच्छी तरह वाकिफ था। 6 साल पहले इसी प्राइवेट बीच पर योगिता के साथ उसने कितना आनंद उठाया था। उसकी एक एक अदाओं पर वह सम्मोहित होकर बलिहार गया था। दूसरे पति पत्नी का हर जोड़ा उसे अवसाद से भरने लगा था। वह अब योगिता और बच्चों से दूर नहीं रह सकता था। जो कुछ हुआ अच्छा नहीं हुआ, सभी कुछ पहले की तरह हो जाए, जाकर पूरी कोशिश करेगा। जल्दी से वह लौटने लगा तो दूसरी ओर समंदर को निहारते हुए जिसे देखा, सहसा वह अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका। बिना श्रृंगार के उदासी की प्रतिमूर्ति बनी योगिता वहीं उसी बीच पर थी। अपनी इस अमूल्य धरोहर को फिर कहीं खोना बैठे, कल्पना करके उत्तम कांपते मन में क्षमा याचना की चाहत लिए उसकी तरफ तेज कदमों से भागा, लेकिन एक बड़ी लहर में फंसकर रह गया। जब तक वह भीड़ से निकलता, योगिता उसकी नज़रों से दूर जा चुकी थी। काउंटर पर जाकर पता चला कि योगिता अभी अभी चेकआउट कर गई है। उत्तम एयरपोर्ट आया, बिजनेस क्लास की सीटें भरी हुई थी और इकोनॉमी में उसे सबसे पीछे सीट मिली। वह इतनी बुरी तरह थका था कि जिस मकसद से आया था उसे भूलकर बैठते ही सो गया, और जब हवाई जहाज उतर चुका था तो होस्टेस ने उसे जगाया। जहाज से उतरने के बाद उत्तम की व्याकुल नज़रें योगिता को ही ढूंढ रही थी। तन मन दोनों से थक गए थे, पर पाँव किसी अनजान दिशा में बढ़ते गए। उसने गाड़ी मैरिन ड्राइव पर रुकवा ली। इसी मैरिन ड्राइव पर वह योगिता के साथ बैठा करता था, जब वह इतनी जानी पहचानी नहीं थी। वह सर ढके रहती थी ताकि आने जाने वाले तंग ना करें। थक कर वह पत्थरों के चबूतरे पर जाकर बैठ गया। रात का अंधेरा फैल चुका था, आकाश में पूनम का चांद था। अचानक उत्तम को बराबर में किसी के बैठने का आभास हुआ, और जिसे बैठे पाया उसे अपनी आंखों का भ्रम समझा। आहिस्ता से उठकर उत्तम उसके पास जा बैठा। छिटकती हुई श्वेत चांदनी में नहाते हुए योगिता के संगमरमरी बदन के चारों ओर उत्तम ने अपनी बाहें क्या फैलाईं कि वह सिमट कर उसके आगोश में आ गई। पश्चाताप के अश्रु जल से दोनों की पलकें भीगी हुई थीं। एक दूजे को बाहों में बंधे हुए सुदबुद खोए एक दूसरे को अपलक निहार रहे थे, मानो दोनों के तप्त मन में प्यार का अमृत बरस रहा हो। पल भर में सारे गिले शिकवे जाते रहे, पानी की तरह सारा मान बह गया। एक दूसरे में समाये दिल की धड़कनों को सुन रहे थे। उन दोनों के मिलन को देख उत्साह और उमंग से आलोकित होकर समंदर मानो अपनी प्यार भरी लहरों को उछाल कर उन्हें भिगो रहा था। आज सदियों बाद कोई अनारकली फूलों के चादर के नीचे अपने साहेब आलम की बाहों में खोई पड़ी थी। फर्क सिर्फ इतना था कि यह अनारकली अपने सलीम की मल्लिका एवं उसके दो प्यारे बच्चों की माँ थी। तो आज इस अनारकली ने अपने सलीम और बच्चों के खातिर विश्व सुंदरी के ताज की गरिमा को गर्व से ठुकराते हुए अपने प्यार भरे आसियाने की ओर लौटने को प्रतिबद्ध थी। यह अनारकली है, उस पर उसका ही नहीं हजारों दीवानों का हक भी है। उसे समझौता करना पड़ेगा, पर यह जबरन समझौता नहीं, प्रेम की समझ है। प्रेम में लेना होता है तो देना भी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही रोचक कहानियाँ पढ़ने और सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानियाँ को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।